हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि हम केरल से एमपी जा रहे हैं। 4 बजे से बस बैठे हैं, बस में ही फिलहाल बैठे हैं हम लोग। तो दोस्त लोग हैं इधर में बैठे हैं, अभी बस स्टैंड में बस खड़ी है। इधर बहुत मंगलम में पहुँचे हैं अभी। केरला का एक सिटी है, वहाँ पर देख सकते हैं दोस्त। ये बस में बैठे हैं अभी हम लोग, यहाँ पे बस रुकी है। अभी ट्रेन बैठेंगे, 11 बजे ट्रेन है हमारा रायपुर के लिए। दोस्तों, यहाँ 4 बजे से बस बैठे हैं हम लोग। यहाँ पे अभी दूसरा सिटी पहुँचे हैं, कोतमंगलम। फिर दूसरा बस बदलना पड़ेगा हमको अलुआ के लिए। अलुआ से ट्रेन मिलेगा हमको बस रेलवे स्टेशन से। कभी आइएगा दोस्तों, तो आप भी ऐसे ही इधर में बस रहता है केरला का, बस इधर ऐसा रहता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इधर ऐसा है केरला बस। दोस्तों, ये बस है हमारा, इधर को देखिए। अभी खाली है बस, अभी पैसेंजर ज़्यादा नहीं आए हैं, बैठे हैं अभी, बहुत कम है पैसेंजर। ये हमारा बस है केरला बस। दिखाना चाहता हूँ दोस्तों केरला बस इधर कैसा रहे, इधर ऐसा है पूरा। दोस्तों, हमने प्रेमूर पहुँच गए हैं, यहाँ पे बस उतर गए हैं। अब दूसरा बस हम बैठेंगे, अभी अलुआ के लिए जाएंगे। इधर हमारा दोस्त है, सब घर जा रहे हैं साथ में। अभी ट्रेन का सफ़र कैसा रहेगा बताएंगे अगले वीडियो में। यहाँ उतरे हैं अभी, बस का वेट कर रहे हैं, अभी आया नहीं। बहुत ही अच्छा था आज का, हाँ नज़ारा बहुत अच्छा है। इधर का नज़ारा देखिए, प्रेमूर का केरला स्टेशन है, छोटा सिटी है प्रेमूर यहाँ का है। इधर में ये हमारा छोटा भाई है। हमने यहाँ पे एक बस और आ रहा है इधर से, कहीं वो बस मिल जाए तो जाएंगे उसमें अलुआ के लिए, बैठेंगे अभी। इधर ऐसा रहता है केरला बस, देख सकते हैं इधर भी खड़ा है एक बस। इधर आ रहा है पूरा ऐसा रहता है इधर केरला बस, देख सकते हैं दोस्त। केरला बहुत अच्छा सुंदर राज्य है, अच्छा जगह है केरला में घूमने लायक, अच्छा राज्य है, अच्छा स्टेट है। कभी आएंगे तो आप ज़रूर बताएं कमेंट में। ऐसा है, इधर मिलते हैं दोस्त अलुआ पहुँच के। दोस्त, हमने अलुआ पहुँच गए हैं, बस स्टैंड है अलुआ का, बस स्टैंड पहुंच गए हैं हम लोग, देख सकते हैं आप इधर का नज़ारा। दोस्तों के साथ जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, अभी कुछ खाना वाना खाएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे रेलवे स्टेशन, होटल में जाएंगे। अभी भूख लगा है दोस्तों, 4 बजे से बस बैठे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है सिटी में केरला का, देख सकते हैं नज़ारा आप। दोस्तों, हमने होटल में आए हैं खाना खाने के लिए, देख सकते हैं होटल है। यहाँ तो अभी सुबह सुबह कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ परोठा मिलेगा, अभी इडली मिलेगा, डोसा मिलेगा। परोठा मंगाए हैं दोस्तों के लिए, इधर बैठे हैं दोस्त, देख सकते हैं आप। खाना वाना खा के जाएंगे अभी ट्रेन बैठने के लिए, 11 बजे ट्रेन है हमारा। 3 दिन का सफ़र है, 4 दिन लग जाता है घर पहुँचने तक। ट्रेन में बैठ के दिखाएंगे दोस्तों ट्रेन का सफ़र कैसा रहेगा। परोठा वरोठा खा लेते हैं अभी, अच्छा से भूख लगा है बहुत ज़्यादा। 4 बजे से गाड़ी बैठे हैं, अभी 9 बजे पहुँचे हैं यहाँ अलुआ स्टेशन में। सफ़र में थक गए हैं, पूरा चेहरा कैसा हो गया देख सकते हैं आप, पूरा बेहाल हो गया है हमारा दोस्त है। पूरा परोठा के इंतज़ार में पड़े हैं, कब आए परोठा, कब खाएँगे सब बोल के। मिलते हैं दोस्त, अभी परोठा आएगा तो दिखाते हैं कैसा परोठा रहता है केरल का। दोस्तों, बहुत वेट करने के बाद हमारा परोठा आ ही गया, देख सकते हैं दो दो परोठा लिए। और इधर में चन्ना का सब्जी है, चन्ना करी बोलते हैं इधर में केरला में, केरला का परोठा। दो दो परोठा लिए हैं सब भाई लोगों ने, देख सकते हैं।
सब भूख में भूख के मारे तड़प रहे थे, खा रहे हैं पूरा अच्छा तरीके से एक सपने खा लेते हैं दोस्त परोठा, मिलते हैं उसके बाद खाने के बाद। खाना वाना खा लिए हैं दोस्त, 336 रुपए की बिल बना था, बैठ कर ये होटल है, जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। अभी ये होटल है आलुआ का, अभी आलुआ आए रेलवे स्टेशन तो फर्स्ट में होटल पड़ता है, इसमें कभी खाना खाने के लिए आ जाना। इसमें रूम भी है, नॉन एसी एसी रूम भी है होटल का। ये होटल का नाम है आलुआ में, बहुत अच्छा सर्विस मिलता है यहाँ पे, खाना मिलता है देख सकते हैं आलू का होटल। मिलते हैं दोस्त रेलवे स्टेशन जाके, आलू स्टेशन पहुँच गए, देख सकते हैं आलुआ वीडियो में अलग दिख रहा होगा उल्टा। पहुँच गए हैं दोस्त स्टेशन के अंदर, प्रवेश कर रहे हैं, टिकट विकट कटाएंगे, अभी टिकट नहीं कटाए हैं, मेरा टिकट बाकी और सबका टिकट ओके हो गया। इधर है आलू स्टेशन, टिकट काउंटर में जाएंगे तो देख सकते हैं आप, ऐसा है छोटा स्टेशन है आलुआ का केरला का। टिकट टिकट कटाएंगे दोस्त, कटा के मिलते हैं दोस्त। दोस्तों मैंने टिकट कटवा लिया है जनरल का, अभी तत्काल में देख सकते हैं टिकट काउंटर है, लोकल टिकट कटा है, सेकंड सिटिंग का होगा आलू स्टेशन में, टिकट काउंटर में कटा काटे हैं। 11 बजे ट्रेन है हमारा, उसमें बैठ के जाएंगे रायपुर तक जाएंगे, इसमें दिखाना चाहिए इधर करना जा रहा है ऐसा है। कभी आए केरला का आलू स्टेशन तो ज़रूर बताएं कमेंट में दोस्तों। सीढ़ी चढ़ रहे हैं दोस्तों, देखिए आलुआ का प्लेटफॉर्म नंबर 3 में जा रहे हैं, वहाँ हमारा ट्रेन आएगा रायपुर के लिए पूर्वा एक्सप्रेस, उसमें जाएंगे, सीढ़ी है उस तरफ जाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 3 में। इधर लिफ्ट है देख सकते हैं, नंबर 3 ही पहुंच गए हैं। ट्रेन जा रही, कौन से ट्रेन है मालूम नहीं, अपना ट्रेन 11 बजे आएगा। ये कोचिकोट तिरुवनंतपुरम का ट्रेन है जा रहा है, अपना ट्रेन 11 बजे आएगा, उसमें बैठ के जाएंगे, देखते हैं दोस्तों सफ़र कैसा रहेगा बताइए हालचाल। 2 दिन का कम से कम सफ़र है, मज़ा भी आ जाता है सफ़र में, कभी कभी बहुत थकान भी लग जाता है। आलू स्टेशन है छोटा सा है, 4 नंबर तक है यहाँ पे, अभी आएंगे तो केरला तो बताना। ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, अभी कम भीड़ है। स्लीपर का टिकट नहीं कटवाया था दोस्तों, लेकिन जनरल का टिकट कट गया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाय कैसे हो? गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, 4 बजे की दोस्तों हम पहुंच गए हैं रायपुर बस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय बस स्टेशन। दोस्तों हम दिखाएंगे रायपुर बस स्टेशन जो कि नया बना है भाटा गांव में, इस बस स्टेशन का हम नज़ारा दिखाएंगे, कहाँ पे है कैसा है पूरा दिखाएंगे आपको हम। इधर भी लगा है हमारा बस, इधर है हमारा बस दोस्तों, मंडला बिछा वाला बस इधर है। इधर पूरा बस है, जहाँ भी जा सकते हैं वहाँ सबका बस मिलेगा, पूरा बस मिलेगा, जो भी राज्य में जाना चाहते हैं आप पूरा बस खड़ा है इधर पे, पूरा बस मिलेगा दोस्तों। इधर अच्छा से व्यू नहीं आ रहा है क्योंकि अभी सुबह है 4 बजे का, इसलिए क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है मोबाइल का कैमरा में दोस्तों। बहुत बड़ा बस स्टेशन बना हुआ है यहाँ पे भाटा गांव में, बहुत अच्छा रायपुर का, देख सकते हैं कितना बड़ा है।
हम अंदर का भी नज़ारा दिखाएंगे दोस्तों। अभी आएंगे तो रायपुर नया बस स्टैंड भाटा गांव में अंतर्राष्ट्रीय बस स्टेशन है, यहाँ हर हर एक राज्य का बस मिल जाएंगे आपको। इधर दिखाएंगे बस खड़े हैं, इधर में हर राज्य के बस मिलेंगे यहाँ पे, जिला से लेकर राज्य तक पूरा। इधर और दिखाना चाहेंगे दोस्तों हम, इधर क्लीनिंग चल रहा है अभी। इधर दिखाना चाहेंगे, इधर बस खड़े हैं पूरा। देख सकते हैं इधर पूरा बस है, मतलब बहुत गजब का बस स्टेशन बना हुआ है दोस्तों यहाँ पे, कि हर सोने का सुविधा भी है और सब चीज़ों का सुविधा है, बाथरूम का सुविधा है, मतलब कहा जाए तो जो सुविधा रहना चाहिए यात्रियों के लिए सब सुविधा है। वैसे बहुत बड़ा बस स्टेशन बना हुआ है, हम अंदर का व्यू दिखाएंगे आप कैसा है, पूरा झकाझक अंदर। इधर देखिए, ये मेरा छोटा भाई है। हेलो दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। घर के अंदर का व्यू ऐसा है दोस्तों, बहुत बड़ा फैन लगा हुआ है, हेलीकॉप्टर जो फैन लगता है ऐसा पूरा। इधर सोए हैं पूरे यात्रीगण, देख सकते हैं आप, इधर बहुत बड़ा है, इधर भी है पूरा। इधर बाथरूम है, दिखाएंगे इधर बाथरूम की, इधर आपको पूरा बाथरूम भी दिखा देंगे। अभी आए तो आपको भटकना ना पड़े कि किधर क्या है, खाने पीने कहीं मिल जाएंगे इधर में है कि नहीं। कभी आना तो इधर बहुत सारे यात्री हैं, इधर है पुरुष महिलाओं का बाथरूम, इधर फ्रिज में ठंडा पानी मिलेगा, इधर खाने का ही मिलेगा एकदम, इधर मिलेगा पूरा खाने पीने का आइटम। पूरा अंदर का सीन ऐसा है दोस्तों, इधर झमाझम बना हुआ है, माना जाए तो बहुत अच्छा बना है, बहुत बड़ा स्टेशन बना हुआ है इधर में पूरा। इधर खुला एरिया है पूरा, देख सकते हैं आप कितना बड़ा है, देखने लायक है पूरा। इधर भी इधर चल के दिखाएंगे दोस्तों आप लोगों को हम, इधर का नज़ारा कैसा है, सब तरफ को दिखाएंगे दोस्तों घूम घूम के आपको। इधर टिकट काउंटर है, काउंटर है टिकट काउंटर इधर में, जिस जिस राज्य में जाना चाहते हैं उधर उधर का टिकट आप कटा सकते हैं हर स्टेट का। कोई भी स्टेट में चले जाएं मिलेगा आपको टिकट मिलेगा, कोई भी राज्य में चले जाएं आप टिकट मिलेगा। इधर के सामने के व्यू है, पूरा बस खड़े हैं, बस और आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, पूरा सीन है पूरा। बराबर आवाज़ नहीं आता होगा दोस्तों क्या, क्योंकि फ़ोन से शूट हो रहा है ना, इसमें क्या है कि आवाज़ क्लियर नहीं आता है, हम कभी माइक खरीद लेंगे तो क्लियर आवाज़ आएगा हमारा, इसके लिए वेट करना पड़ेगा दोस्तों क्लियर आवाज़ आने के लिए। दूसरे तरफ हम नज़ारा दिखाएंगे दोस्तों, इधर का अंदर ही क्या है तो फिलहाल में एक हमारा दोस्त इधर खड़ा है, छह लोग हैं अभी हम फिलहाल में, हम अभी बैक साइड का दिखाए थे जिस तरफ बस खड़े रहते हैं उधर का, अभी हम इधर सामने साइड का दिखाएंगे दोस्तों सभी को। इधर कुछ नहीं होता, इधर में से नज़ारा ही है, सामने साइड पूरा है, बहुत बड़ा बना हुआ, देख सकते हैं ऊपर का नज़ारा ऐसा है। इधर है पूरा अच्छे से दिखता होगा, अंधेला है, 4 बजे हैं अभी सुबह मॉर्निंग का, इसलिए इधर है सामने का, ये है सामने का नज़ारा।
देखिए दोस्तों क्लियर नहीं आता होगा, बराबर नहीं आता है दोस्तों। बालाजी स्वामी ट्रस्ट क्या क्या लिखाया है, आधा नहीं दिख रहा है दोस्तों। इतने बहुत बड़े स्टेशन है, इधर भी है पूरा पूरा खुला एरिया है इधर में, इधर बैक साइड में पूरा बस लगते हैं, मतलब माना जाए हर सुविधा है यहाँ पे। आप कभी आए जो जहाँ कहीं भी के भाई हो कमेंट में ज़रूर बताएं, कभी आए रायपुर तो कैसा है बस स्टैंड तो बताइएगा कमेंट में ज़रूर लिखकर कि यहाँ के बस स्टैंड कैसा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आप सपोर्ट कीजिए दोस्त, हमको बहुत से बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को। मिलते हैं, बाय।